हेलो एवरीबॉडी, फ्लिप इनसाइट में आप सभी का स्वागत है। हम आज बात करेंगे हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल ऑफ मंडी। हम इससे पहले आपके साथ सिरमौर, शिमला, ऊना और सोलन की प्रोफाइल्स डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमें लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप हमें कुछ भी बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी नेक्स्ट अपडेट्स आप तक जल्द पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल ऑफ मंडी। हिमाचल प्रदेश जिला मंडी 31 degree 13 seconds 50 seconds और 32 degree 4 second 30 seconds उत्तरी अक्षांश तथा 76 degree 37 second 20 seconds और 77 degree 23 second 15 seconds पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में कांगड़ा, दक्षिण पश्चिम में शिमला, जिला कुल्लू एवं पूर्व में जिला कुल्लू पूर्व में तथा हमीरपुर व बिलासपुर पश्चिम में स्थित है। दक्षिण में जिला मंडी की सीमा सोलन जिला की तहसील अर्की से लगती है। संपूर्ण जिला पहाड़ी व पथरीला है। केवल सुंदरनगर तहसील का बल्ह क्षेत्र तथा जोगिंदरनगर का चौतरा खंड जिले की उपजाऊ घाटियां है। मंडी के हॉटेस्ट प्लेसेस में आता है तत्तापानी तथा सुंदरनगर। यहाँ पर औसतन वार्षिक वर्षा 2029 मिलीमीटर होती है। यहाँ की जो फेमस हिल्स रेंजेस हैं वो है दौलाधार, गोधरधार, सिकंदरधार और वेरकोट धार। दौलाधार इसकी सबसे ऊंची चोटी नागरू जो कि 4400 मीटर है। दोगरधार इस श्रृंखला में सुप्रसिद्ध गुम्मा व दराग पहाड़ी नामक की खाने स्थित है। सिकंदरधार इस पर्वतमाला का संबंध अकबर से 375 पूर्व दिल्ली के सिंहासन पर राज करने वाले सिकंदर लोधी से जोड़ा जाता है, जो कांगड़ा रियासत पर विजय प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र से गुजरा था। यहाँ पर निर्मित कई जल संग्रह टैंक तथा कंटेनमेंट को भी उसी की यात्रा के साथ दृष्टांत किया जाता है। इस श्रृंखला की दो उपधाराओं कमला धार व लिंडी धार में विभाजित किया गया है। वेरकोट धार यह धार रिवालसर से शुरू होकर सुकेत तक जाती है। अब बात करते हैं यहाँ की मेन रिवर्स की, ब्यास और सतलुज। सतलुज फिरनू विलेज से एंटर होती है यहाँ पर, और जो एरिया जिसे ये पास करती है वो है बाकरा, महनू, माहुन, देराहल, बटवारा तथा देहर। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है खदल, भगवती, भंतेहर, सिवान, बेहना, कातू, भागरा, बहालू एंड सियून। ब्यास रिवर ये एंटर करती है नियर लारजी से, और इसके ट्रिब्यूटरीज हैं लूनी, उहल, रीना, जंजेहली, सुकेती, भाकर, सोन, रामोली एंड जीवनी। जो इसके ट्रिब्यूटरी है उहल रिवर, वो जोगिंदर नगर में इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए यूज़ होती है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 यहाँ मंडी की पॉपुलेशन है 26,422, जिसमें से मेल्स हैं 13,341 एंड फीमेल्स हैं 13,081। मंडी की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो नेक्स्ट टू कांगड़ा आती है। यहाँ की सेक्स रेशो है 1,013 फीमेल्स पर 1,000 मेल्स, ये सेकेंड हाईएस्ट सेक्स रेशो है। मंडी को वाराणसी ऑफ हिल्स, छोटी काशी और काशी ऑफ हिमाचल भी कहा जाता है। मंडी अजबर सेन ने 1527 में एस्टेब्लिश की थी। आइए बात करते हैं अब इसके लेक्स की। रिवालसर लेक को तीन
महान हस्तियों से जोड़ा जाता है जो है पद्म संभवा, लोमस ऋषि एंड टेंथ सिख गुरु गोविंद सिंह। इनका कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। पराशर लेक, इसका ऑल्टीट्यूड है 2730 मीटर्स। कामरुनाग इन द तहसील चच्योट जो करसोग मंडी में पड़ता है। ऐसे माना जाता है कि इसे पांडवाज ने फॉर्म किया था, बनाया था मतलब। मछियाल लेक ये मंडी के जोगिंदर नगर में स्थित है। सुखसार लेक, कुंत भयोग लेक और कालासार लेक ऑन द हिल टॉप ऑफ रिवालसर टाउन में सिचुएटेड है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मंडी के बारे में। बांदी फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो मंडी में सिचुएटेड है। शहीद कृष्ण चंद मेमोरियल स्टेडियम मंडी में सिचुएटेड है जिसे पद्दल ग्राउंड भी कहते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के मशहूर खिलाड़ी ऋषि धवन का संबंध भी मंडी डिस्ट्रिक्ट से है। इंटरनेशनल मंडी शिवरात्रि फेयर, शिवरात्रि फेयर मंडी में बहुत ही मशहूर है। ये 7 डेज के लिए मनाया जाता है फेब और मार्च में हर साल। इसको फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था 1526 में। मंडी का जो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है भुंतर। मंडी सबसे पुरानी ओल्डेस्ट म्यूनिसिपल काउंसिल है जो 1950 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। मंडी डिस्ट्रिक्ट में 7 तहसील्स आती हैं, जोगिंदर नगर, सरका घाट, सुंदर नगर, सदर मंडी, चचियोट, थुनाग और करसोग। यहाँ पे 9 सब तहसील्स हैं, लड भरोल, पधैर, संधोल, धर्मपुर, बादलवारा, निहरी, कोटली, ओट और बाली चौकी। अब बात करते हैं मंडी की हिस्ट्री की।